हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेक एनीथिंग पर। आज हम कढ़ी पकौड़ा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी बेसन ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें से हाफ बेसन के पकौड़े बनाएंगे और हाफ बेसन से हम कढ़ी बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने हाफ बेसन एक बाउल में निकाल लिया है और इसका हम एक बैटर बना के तैयार करेंगे। इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके हम डाल देंगे। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पकोड़े हमारे टेस्टी बनेंगे। हम इसमें सिर्फ मसाला ऐड करेंगे और कुछ नहीं ऐड करेंगे, कोई भी सब्जी या फिर प्याज कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और इसका पानी डाल के हम एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी डालने से हमारे लम्स हो जाएंगे बैटर में। और हम इसमें पकोड़ों को ज़्यादा स्पंजी बनाने के लिए 1 चम्मच दही भी यूज कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा स्पंजी बनेंगे। और हम इसको अच्छे से फेंटते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। फेंटने से हमारा बैटर फ्लफी हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसको ज़रूर फेंटेंगे, तभी हमारे पकोड़े अच्छे बनेंगे। फेंटना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम फेंटेंगे नहीं तो हमारे पकौड़े टाइट टाइट बनेंगे। तो इसलिए इसमें हवा भर जाएगी फेंटने से, फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको फ्राई करने के लिए हम ऑयल जितना हो उसके कम लेंगे कढ़ाई में। बहुत ही कम ऑयल में हम इनको फ्राई करेंगे। हमारे पकौड़े मतलब पूरे अच्छे से ऑयल में डिप नहीं होने चाहिए। इतना ऑयल हम लेंगे और अपना पकौड़े का बैटर डालेंगे, 1-1 चम्मच करके डालेंगे। इस तरह से कम ऑयल में अगर हम बैटर डालेंगे तो ये पकौड़े बिल्कुल गोल शेप में बनेंगे। जहाँ बैटर डालेंगे वहीं बैटर हमारा सेट हो जाएगा और इनकी शेप भी बिल्कुल गोल रहेगी। और दूसरा, इसमें ऊपर से हम इसको ऑयल में डिप नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें बबल्स बनेंगे। अगर ये ऑयल कम ऑयल में अगर हम इनको फ्राई करेंगे तो इनके अंदर बबल्स बनेंगे और उन बबल्स में फिर हम उनको कढ़ी में डालेंगे तो अच्छे से उन ये कढ़ी को सोक कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। तो इस वजह से हम कम ऑयल लेंगे और हमारा ऑयल भी बार बार फ्राई होके ख़राब नहीं होगा और पकोड़े भी अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे पकोड़े में हमारे बबल्स बन गए हैं। इसी तरह के बबल्स हमें चाहिए ताकि इसको हम कढ़ी में डालेंगे तो ये पूरी अच्छे से बहुत ज़्यादा कढ़ी को सोक कर लेंगे और टेस्टी हो जाएंगे। पूरे पकोड़े को एक तरफ से सिकने के बाद हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। पलटते हुए हम इसको अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। सेकने के बाद निकाल लेंगे। देखिए, हमारे बबल्स दोनों तरफ से मतलब आर पार हैं, दोनों तरफ से इनके अंदर ऑयल जा रहा है, अंदर से डल के बाहर निकल रहा है। इस तरह से हम बचे हुए पकोड़े भी डाल देंगे। ये देखिए, इसमें भी हमारे इसी तरह के बबल्स बने। इसी तरह के बबल्स हमें चाहिए। ऑयल जितना हो उसके उतना कम लेंगे हम, तभी बबल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब हम कढ़ी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने बचा हुआ बेसन ले लिया है बाउल में। उसके साथ ही हम डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। और इसका भी पहले हम इस लम्स फ्री बैटर बनाएंगे, लस्सी डाल के बनाएंगे हम इसको। तो पहले हम थोड़ी सी लस्सी डाल के इसका लम्स फ्री बैटर बना लेंगे, फिर हम पूरी लस्सी ऐड कर देंगे इसमें। और लस्सी आप, लस्सी की मैंने लगभग 1 लीटर लस्सी ली है। आप इसकी क्वांटिटी दही जितना आपका खट्टा हो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप पानी में मिला सकते हैं, कम खट्टा है तो सिर्फ लस्सी डाल के भी बना सकते हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे हम इसमें, थोड़े से प्याज डालेंगे। और साथ में डालेंगे हम थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च। कड़ी में शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हमने जो बैटर बना के रखा था वो बैटर ऐड कर देंगे। पूरा का पूरा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे हाई फ्लेम पे करके। हम इसको बबल्स आने तक पकाएंगे। जब तक बबल नहीं आएंगे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हमें इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है। अगर हम इसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी, जो कि खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगी, देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए लस्सी डालने के बाद हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक इसमें बबल नहीं आएंगे।
जैसे ही इसमें बबल आ जाएंगे तो हम इसको लो फ्लेम करके छोड़ सकते हैं। ये देखिए बबल्स आने के बाद अगर हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे तो ये बाहर भी निकल जाएगी दूध के जैसे निकल के, और इसको हम लो फ्लेम पे करके अभी पका लेंगे। और साथ में हम अपने इसमें पकोड़े ऐड डाल देंगे जो हमने बना के रखे थे, और ये पकोड़े भी जैसे जैसे इसमें लो फ्लेम पे कढ़ी के अंदर पकेंगे तो ये फूल के फ्लफी हो जाएंगे, कढ़ी मतलब इनको सोक कर लेगी, ये कढ़ी को सोक कर लेंगे और अच्छे से स्पंजी टाइप में हो जाएंगे। आप भी मुझे अपने आइडियाज़ और सजेशन दीजिए, अगर आप कोई और मेथड यूज़ करते हैं कोई यूनिक मेथड तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी ताकि और भी अच्छा बना सकें। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक गए हैं हमारे पकोड़े, पहले से डबल हो गए हैं जैसे हमने डाले थे। अब हम क्या करेंगे इसका तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने वही जो बचा हुआ ऑयल था वही यूज़ किया है, इससे हमारा ऑयल भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो इसमें मैंने डाल दिए थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा धनिया क्रश करके डाला है मैंने, साबुत धनिया को क्रश करके डाल दिया हाथों से। और इसके साथ ये डालेंगे हम थोड़ी सी राई पीली, और ये दोनों राई मिलाई है मैंने, आप सरसों भी डाल सकते हो। और साथ में डाल देंगे हम कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस फ्लेम को बंद कर देंगे हम, फ्लेम को बंद करने के बाद हम मिर्ची ऐड करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म ऑयल में मिर्ची डाल देंगे तो वो जल जाएगी तुरंत, इसलिए फ्लेम को बंद करके हम मिर्ची ऐड करेंगे और अपना तड़का हमारी कड़ी में मिला देंगे। बहुत ही अमेजिंग कड़ी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको हम पूरे तड़के को मिला के सर्व कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।